बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल, जहां आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, आज हम देखते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्या कहते हैं जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमें, इज इट पॉसिबल टू एड 3 वैक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन टू गेट अ नल वैक्टर, इलस्ट्रेट विद अ डायग्राम। कह रहे जी कि अगर आपके पास, चले पहले एक हेडिंग तो दे दे जी, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग, चैप्टर नंबर 2 है ये, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है जी कि इज इट पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो यस इट इज पॉसिबल। अगर आप 3 वेक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करें कि वो कोई ट्रायंगल बनाए, डायरेक्शन आपको गिवन नहीं है, तो अगर उनकी डायरेक्शन इस तरह हो कि वो कोई ट्रायंगल के साइड्स बनाए, तो बाय हेड टू टेल रूल दे विल फॉर्म अ क्लोज पाथ और उनका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। लेट सपोज, अगर मैं बात करता हूं जी, इफ दिस इज अ वेक्टर ए, ये मैग्नीट्यूड ए है जी, दूसरे का मैग्नीट्यूड लेट सपोज सेम मैग्नीट्यूड है विद अ डिफरेंट डायरेक्शन बी है, और लेट सपोज एक तीसरा वेक्टर है ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड विच इज लेट से सी, सो इफ वी ड्रॉ द रिजल्टेंट बाय हेड टू टेल रूल फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी, तो वो क्या होगा जी, वो अगेन क्या कर रहे हैं जी, बाई हेड टू टेल रूल देके सेकंड का टेल फर्स्ट के हेड पर है, थर्ड का टेल सेकंड के हेड पर है, और फर्स्ट का टेल से लास्ट के हेड तक हमारे पास कोई डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब है इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज अ नल वेक्टर। ये अनइक्वल मैग्नीट्यूड के लिए भी हो सकता है, अगर अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो या मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो, दोनों को अगर आप इस तरह से अरेंज करें कि वो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बनाए, 3 वेक्टर्स हमें गिवन है, तो वो क्या करते हैं जी, उनका रिजल्टेंट नल वेक्टर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 3 वेक्टर्स आर 2 मीटर 3 मीटर एंड 5 मीटर, तो एक आपको गिवन है जी 2 मीटर, एक आपको गिवन है 3 मीटर, एक 5 मीटर, ये 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास। The directions are at your disposal. जिस मर्जी आप direction दे दें। Can these 3 vectors be added to yield 0? तो क्या हम इन तीनों वेक्टर को इस तरह ऐड कर सकते हैं कि हमें 0 दे? डायरेक्शन आपकी मर्जी है, तो बिल्कुल कर सकते हैं जी। क्या 2 प्लस 3 से 5 नहीं आता है? बिल्कुल आता है जी। तो अगर मैं क्या कहता हूं, मैं A को लिखता हूं जी 2 मीटर, B को लिखता हूं जी क्या 3 मीटर, और C को लिखता हूं जी क्या 5 मीटर, तो क्या अगर C इतना है जी, 5 मीटर है, ये C है, तो इन दोनों को साथ अगर मैं ऐड करूं, क्या चीज हो, माइनस ऑफ B और माइनस ऑफ A, अगर ये माइनस ऑफ B है, ये माइनस ऑफ A है, तो क्या ये मुझे 0 रिजल्टेंट नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं, अगर C को मैं पॉजिटिव लेता हूं, C को पॉजिटिव और माइनस B को नेगेटिव और A को नेगेटिव, तो क्या ये मुझे 0 वेक्टर नहीं देगा? बिल्कुल देगा। सिमिलरली आप C को नेगेटिव ले सकते हैं अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, और अगर आप बात करें माइनस ऑफ सी की, सी को नेगेटिव लेते हैं, ए और बी को आप पॉजिटिव लेते हैं, तो देखिए सी अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया, ए इसके हेड पर प्लेस किया, बी को फिर इसके हेड पर प्लेस किया, रिजल्टेंट इज फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, यही पॉइंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब है अगेन आपके पास क्या आ गया जी, अगेन आपके पास नल वेक्टर आ गया। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के, तो आई जे के जो है, ये जो यूनिट वेक्टर्स है, इनके साथ कौन सा यूनिट, ये पूछ रहा है कौन सा यूनिट होता है जी, तो इनके साथ तो कोई यूनिट नहीं होता। डायरेक्शन, ये तो हमें डायरेक्शन शो करता है जी, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, वो तो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है, लेकिन आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स है ये हमें शो करते हैं कि अगर लेट सपोज आई यूनिट वेक्टर है तो ये शो करता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर को, जे यूनिट वेक्टर शो करता है जी वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर को, और जो के यूनिट वेक्टर है वो शो करता है जी जेड एक्सिस के अलॉन्ग किसी वेक्टर को।
तो इसमें डायरेक्शन की इसमें इसमें यूनिट की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया जी। वैसे आपको तो पता है ना कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। ए का यूनिट वेक्टर होता है अ वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ये आपको देता है ओनली द डायरेक्शन। आपको क्या देता है जी? डायरेक्शन। सिमिलरली ये जो है आई जे के, ये स्पेशल वेक्टर्स है जो आपको एक्स वाई और जेड के अलोंग ओनली शो करते हैं। सिमिलरली नेगेटिव आई नेगेटिव एक्स, नेगेटिव जे नेगेटिव वाई और नेगेटिव के नेगेटिव जेड एक्सिस को शो करता है। फोर्थ कह रहा है कैन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव, प्रूव विद एन एग्जाम्पल। तो कह रहा है स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए एक मैग्नीट्यूड है दूसरा मैग्नीट्यूड है, ये दो तो पॉजिटिव है, नेगेटिव किस वजह से होगा जी? कॉस ऑफ थीटा की वजह से। थीटा की रेंज हमने पढ़ी थी जी 180 और 0 डिग्रीज के दरमियान होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट कवर कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। इसका मतलब है अगर आपका थीटा 90 से ग्रेटर है और इक्वल का साइन इधर ना लगाए, 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल है तो आपका जो है डॉट प्रोडक्ट वो नेगेटिव आएगा। This would imply what? That cos is negative और a dot b जो होगा वो negative होगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो और इसका जो example है वो क्या है? इसका example है कि आप work done by the frictional force जो है work done by the frictional force किस तरह होते हैं जी? Body आगे की तरफ जाना चाहती है और जो force है उसके तरफ वो पीछे की तरफ है कि नहीं है? अगर ये force पीछे की तरफ है और displacement जो है वो आगे की तरफ है तो force और displacement के दरमियान angle 180 degrees है। Work done by frictional force is what? is negative. Similarly, आप जो है तो work done against the gravitational field करती है। कोई भी body gravitational field के अगर मैं इस marker को छोड़ूंगा नीचे जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ तो work done by the gravitational force, this is against the gravitational force, तो negative work होगा। Fifth number question कहता है कि A and B are two non-zero vectors. A is a non-zero vector. B is a non-zero vector. How can their dot and cross products be zero? तो A dot B किस तरह zero होगा? A B cos of theta होता है कि नहीं होता? A cross B का magnitude की मैं बात कर रहा हूँ, A B sin of theta। तो इसके जीरो, अगर ये जीरो है, डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो हमें गिवन है, ये हो सकता है कि या एक जीरो हो या बी जीरो हो या कॉस ऑफ थीटा जीरो हो, लेकिन हमें गिवन है कि ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि जो कॉस ऑफ थीटा है वो जीरो है। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा थीटा क्या है जी? कॉस इनवर्स ऑफ जीरो है। इसका मतलब 90 डिग्रीज है, यानी कि ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट जीरो होने के लिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली अगर क्रॉस प्रोडक्ट इनका जीरो है और हमें गिवन है कि ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, इसका मतलब है साइन ऑफ थीटा जीरो है और इसका मतलब है कि थीटा जो है कॉज इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स ऑफ जीरो है, तो वो आएगा क्या चीज? जीरो आएगा या फिर 180 डिग्रीज आएगा। दोनों पे साइन जीरो होता है तो यानी कि ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल है या आपस में एंटी पैरेलल हो सकते हैं। पैरेलल अगर आप जनरल लिख देते तो उसमें एंटी पैरेलल भी आ सकता है, या फिर आप कोलिनियर लेट सपोज लिख देते। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के जीरो होने के लिए वेक्टर्स परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट के जीरो होने के लिए वेक्टर्स पैरेलल। सिक्स नंबर, सपोज यू आर गिवन अ नॉन जीरो वेक्टर ए। लेट सपोज के जो ए वेक्टर है वो नॉन जीरो वेक्टर आपको गिवन है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए विद एन अननोन वेक्टर बी इज जीरो। ए डॉट बी जो है जीरो है,
तो क्या कह रहा है, लाइकवाइज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी इज जीरो, ए डॉट बी भी जीरो है और ए क्रॉस बी भी जीरो है, तो इसका मतलब है ए जीरो नहीं है। तो आपसे कह रहा है बी के बारे में आप इधर क्या कह सकते हैं, तो बी के बारे में हम देखते हैं क्या कह सकते हैं। ए डॉट बी क्या होगा जी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। क्या कहता है जी, अगर जीरो है या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा या कॉज ऑफ थीटा जीरो होगा। देखे इधर से मैंने आपको कहा या तो ए का मैग्नीट्यूड जीरो होगा या बी का मैग्नीट्यूड जीरो होगा और या दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये आप इधर से कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है अगेन। सिमिलरली यहां से आप क्या कह सकते हैं कि या तो ए जीरो है या बी जीरो है और या ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन ए जीरो तो आपको गिवन नहीं है, ए तो जीरो नहीं है। अब देखिए एक में परपेंडिकुलर आ रहा है एक में पैरेलल आ रहा है, तो क्या करें जी, ये भी नहीं हो सकता कि एक में पैरेलल हो एक में परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल तो एक दूसरे के नहीं हो सकते। तो इसका मतलब दोनों में क्या है जी कि बी जो आपका वेक्टर है वो जीरो है या वो नल वेक्टर को शो कर रहा है। समझ आई, समझ आई। सेवंथ, Why a particle experiencing only one force cannot be in equilibrium? तो बिल्कुल नहीं हो सकता जी। Equilibrium के लिए first condition है कि summation of all the forces should be equal to zero, या second condition है summation of all the torques should be equal to zero. अगर मैं first की ही बात करता हूँ इसका मतलब होगा कि net force जो है वो zero होगा। Net force का मतलब है कि जितने भी forces है F1, F2, F3 up to जितने भी उस पर act कर रहे हैं सबको आप add करें तो आपके पास जीरो आएगा। लेकिन अगर एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है सिर्फ एक, तो क्या होगा उसके साथ, तो कोई उसकी कैंसलेशन के लिए उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए तो कोई दूसरा फोर्स ही नहीं होगा, तो यानी कि वो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक फोर्स एक मास के ऊपर लगेगा, ओनली दिस फोर्स, तो क्या है ओनली वन फोर्स है तो ये जरूर एक्सेलरेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लेकिन अगर इसके जो है ऑपोजिट में एक दूसरा फोर्स लगा देता हूं तो इसको बैलेंस कर देगा और बॉडी इक्विलिब्रियम में रह जाएगी। For a single force, a body cannot stay in equilibrium. Similarly, जो है angular force torque की भी आप बात कर सकते हैं कि अगर एक side पे ही torque आपको produce हो रहा है तो definitely वो produce होगा क्योंकि एक ही side पर है। अगर आप इसको balance नहीं करेंगे by a second तो ये equilibrium में तब तक नहीं आएगा। ये seventh था जी। Eighth क्या कहता है जी? To open a door that has a handle on the right and hinges on the left. आप उसके जो है तो डायरेक्शन को एक्सप्लेन करें। तो आप जो है सबसे पहले जिधर भी बैठे हैं उधर रूम को जो है क्या करें, डोर को कंसीडर करें। डोर को आप कंसीडर करें, आपको कहते हैं कि अगर आपने उसको ओपन करना हो या क्लोज करना हो, लेकिन क्या है हैंडल आपका राइट पे है और हिंजेस आपके लेफ्ट पे है। मेरे सामने जो बिल्कुल डोर लगा हुआ है तो वो दोनों बिल्कुल जो है तो सेम है, ठीक है, एक उधर खुलेगा एक इधर, तो मैं दोनों इसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है जी। हिंजेस लेफ्ट पे, डोर राइट पे। अब अगर आप डोर खोलने के लिए अगर आप इसको पुश करते हैं तो फ्रॉम द राइट हैंड रूल आपका जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। हैंडल राइट साइड पे, हिंजेस लेफ्ट साइड पे। अगर आप ओपन करने के लिए पुश करते हैं तो द टॉर्क वुड बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। सिमिलरली अगर आप यही केस है कि आपका जो हैंडल है वो राइट पे है और हिंजेस लेफ्ट पे है और आप खोलने के लिए पुल करते हैं अपनी तरफ फोर्स लगाते हैं तो फ्रॉम द राइट हैंड रूल आपका जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक हो गए जी, बिल्कुल ठीक। नाइन्थ नंबर कहता है कि एक्सप्लेन द वार्निंग नेवर यूज अ लार्ज रेंच टू टाइटन अ स्मॉल बोल्ट। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, अच्छा तो इसका मतलब है कि ये टॉर्क की बात कर रहा है और टॉर्क क्या होता है जी,
आर एफ साइन ऑफ थीटा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो जो लार्जर रेंज होगा उसका क्या होगा जी? उसका मोमेंटम ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप इधर से देखते हैं, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है। तो जितना मोमेंटम ज्यादा होगा उतना आपका टॉर्क ज्यादा होगा। लेकिन अगर नट छोटा है और आपने रेंज बहुत बड़ा ले लिया, उसमें टॉर्क आप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर देंगे और क्या होगा, वो स्लिप हो जाएगा जी और काम से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एप्रोप्रिएट लेवल में रेंज होना चाहिए। टेंथ कहता है जी, अ सेंट्रल फोर्स इज द वन दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेम पॉइंट, कैन अ सेंट्रल फोर्स गिव राइज टू अ टॉर्क? तो टेंथ नंबर बात कर रहा है जी सेंट्रल फोर्स के बारे में। तो ये वो फोर्स होता है जो किसी सेम पॉइंट पे होता है, या मैं कहता हूं कि सेंटर पॉइंट पर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सेंटर पॉइंट पर क्या होता है जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है या सेंटर ऑफ मास होता है। अगर यूनिफॉर्म शेप की बॉडी है, तो लेट सपोज अगर ये एक रॉड है, तो इसके सेंटर पर क्या होगा? बिल्कुल सेंटर पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा या इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो कह रहे हैं अगर मैं इधर फोर्स लगाऊं तो क्या ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? तो नहीं करेगा जी। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इधर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये ओनली ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा। और ये मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर चुका था कि ये जो है आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये ओनली अ पॉइंट मास है ऑफ द होल मास ऑफ द रॉड। ठीक, इसके अलावा अगर कहीं पे पॉइंट लगता, अगर फोर्स लगता है कहीं फोर्स लगता है अदर देन द सेंट्रल पॉइंट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और द सेंटर ऑफ मास, तो वो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक। तो ये थी जी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन। हमने 8 नंबर क्वेश्चन में जी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को डिस्कस किया। ठीक है, यही पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जी इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।